कबीर अहमद, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, हमारे शो के विनर को हमारे साथ दुबई, यानी कि कबीर अहमद को 2 साल के लिए हमारे साथ दुबई जाना होगा और दुबई के लोगों को अपने हाथ का लजीज खाना खिलाना होगा। कबीर का 2 साल के लिए दुबई जाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कबीर ने हमें बताया तक नहीं। ये आपके लिए अम्मी। सर, हमें माफ करना, हमें किसी से मिलना है सर। मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, इस मुबारक के असली हकदार तुम हो जा। हकीकत में तुम्हारे बिना ये तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाते। शुक्रिया। हमें माफ करना, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाए इस कंपटीशन के दौरान। तुम तुम हमारे साथ ही जाना। हाँ, शायद हमारे करीब नहीं थी, लेकिन हमारे ख्यालों में तो तुम थी, हमारे दिमाग में तुम थी, हमारे एहसास में तुम थी। वैसे ज़ारा, तुम कहाँ रह गई थी? सलाम वालेकुम। हम वालेकुम अस्सलाम। सेन, तुम यहाँ फरमाइए। आप है ना, जरा धीरे सोच समझकर कोई काम किया कीजिए, क्योंकि अब जल्दबाजी में जो भी काम करती है ना, गड़बड़ हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो। हम नमाज अदा करने जा रहे हैं। हम चाय बना के लेकर आते हैं। आइए ना, बैठिए। अरे बताइए, आपके घुटनों का दर्द कैसा है अब? ठीक ठाक है बेटा। वैसे तुमने जो मालिश की थी ना, उससे हमें थोड़ा आराम भी मिला था, पर उस समय हम तुमको शुक्रिया अदा करना भूल गए थे, तो अब कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हला जान, आप ये क्या कह रही हैं? आप कितने एहसान हैं हम पर। जब हम मौत के मुंह में थे ना, तब इस घर ने हमें सहारा दिया। हमें डर लगता है खाला जान, कहीं इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। हमें आपकी बहुत फिक्र रहती है। ये आपकी अमानत, आप भूल गई थी। या अल्लाह, पता नहीं हमें क्या हो गया। हम कभी अहम चीजें भूलते नहीं थे, इस बार बहुत कुछ भूल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ज़ैन, ये ट्रॉफी क्या कर रहे हैं अभी? एक मिनट ज़ैन, ये कबीर है, हमारे दोस्त कबीर। ये
जैन है, जैन अब्दुल्ला। हाय कबीर साहब। आदा। कूल। आदा। कबीर, जैन अब्दुल्ला साहब एक बहुत अच्छे वकील हैं। इन्होंने हमारी जमानत भी करवाई, हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। खाला जा, आपकी तरह हम भी चाहते हैं कि जारा और कबीर एक हो जाए। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, आयशा अम्मी भी चाहती है कि जारा और कबीर एक हो जाए। ये बात हम जानते हैं बेटा, पर इसमें मायूसी की कौन सी बात है? खाला जान, अब आपको क्या बताएं? आयशा अम्मी की भी तबीयत इतनी खराब है, हम चाहकर भी उन्हें सच्चाई नहीं बता सकते। हम उन्हें क्या, ये सच्चाई हम किसी को भी नहीं बता सकते। कौन सा सच रुखसार? बात क्या है, मैं बताओ। हमारे होठ सिले हुए हैं खाला जान, हम कुछ नहीं बता सकते। हमें अस्पताल जाना है, जो बताएगा कबीर बताएगा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चलते। रुखसार, हमें सच सुनना है। रुखसार बताओ बात क्या है, बोलो रुखसार, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। जनाब आपका तहे दिल से शुक्रिया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भूल जाइए ना, क्या है जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसी चीजें याद रख के करेंगे क्या? भूल जाइए, खुश रहिए। हाँ, हमारे हेल्प के बदले में अगर आपको कुछ करना है तो हमें अपना शहर दिखाइए, कबाब खिलाइए, हिसाब बराबर। आपको लखनऊ घूमना है? बिल्कुल, बेशक, कब आ रहे हैं आप बताइए। दरअसल एक केस के चक्कर में मैं लखनऊ ही जाने वाला हूँ। जरा तुम्हें याद है, हम हमेशा तुमसे कहते थे कि हम एक वर्कशॉप होस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे कौम के लोगों को कानूनी मालूमात थोड़ी बढ़ जाए, तो क्यों ना हम पूछें से। जनाब अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप ये वर्कशॉप होस्ट करेंगे? अब कौम की खिदमत भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उसके बाद हम आपको लखनऊ भी घुमा देंगे। ये सच जहर से ज्यादा कड़वा है। कबीर जारा का साथ तो चाहता है, पर अपनी जिंदगी में जारा को साथी नहीं बनाना चाहता। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो रुखसार? ये बात हमने नहीं, ये बात कबीर ने खुद कही थी। सिर्फ यही नहीं, कबीर ने कुराने पाक की कसम खाई थी कि वो जारा को अपना हमसफर कभी नहीं बनाएगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं खाला जान, कोई उम्मीद मत रखिए। कबीर जैसा शख्स अपनी जान दे देगा पर अपनी कसम नहीं तोड़ेगा, जारा को नहीं अपनाएगा खाला जान। पर कबीर ने ऐसी कसम क्यों खाई थी रुखसार? ऐसा क्या हुआ था? नफरत, जिद और गुरूर में इंसान कुछ भी कर सकता है खाला जान, कुछ भी। बस अब हम यहां और नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। कहीं दिल टूट रहे हैं, कहीं उम्मीदें टूट रही हैं। माशाल्लाह, शाबाश साहब, आपके बेटे ने ग्रैंड फिनाले का जीत लिया, इनकी तबीयत में सुधार आ गया है।
अब और भी सुधार आ जाएगा डॉक्टर साहब। कबीर और जारा दोनों लखनऊ के लिए निकल चुके हैं अम्मी, बहुत जल्द दोनों यहाँ होंगे। अभी आप लोग जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हम आते हैं अम्मी। अम्मी आप आराम कीजिए, फिर थोड़ी देर में आपको सूप भी देना है। डॉक्टर ने अम्मी को आराम करने के लिए कहा है रुखसार, इसलिए हम सब भी बाहर वेट कर रहे हैं। उनके लिए हम घर से सूप ले आए हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें देंगे, तब तक उन्हें आराम करने दो। चल रुखसार यहाँ आओ। जी अम्मी। उस दिन जब हमारी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम दरवाजे पर आकर खड़ी होकर हमें देखती रही। हमारी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि हमें यकीन था कि आप नहीं बचेंगी अम्मी। अल्लाह हमें गहरत करे अम्मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है अम्मी, हम वहां पर नहीं थे। अम्मी जब से आप हॉस्पिटल में है ना, हम हॉस्पिटल से बाहर तक नहीं गए, दिन रात बस आपकी खिदमत में लगे हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया अम्मी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? चलिए हम आपके लिए सूप लाते हैं, आप सूप पी लीजिए। आयशा बेगम, इससे पहले कि तुम ये बात बता के सबके सामने हमें रुसवा करो, उससे पहले हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। आप ये दवाइयां जल्द से जल्द मंगवा लीजिए। जी हम आते हैं। आप कबीर, सलाम अलैकुम। अब्बू सलाम अलैकुम। कुशान भाईजान अम्मी कहाँ है? भाई कौन हो तुम? कबीर
अबू, आपके बेटे अशांत, तुमने इसे कबीर पुकारा? ये कबीर नहीं है हमारा, ये तो कोई और है। हमारा कबीर तो शेरवानी टोपी पहनता है। गलत फहमी हो गई तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। यार अब्बू की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है कि वो थोड़ा नाराज है इन सबसे। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस, तुम कॉन्टेस्ट जीत गए। हमें कुछ दवाइयां लेनी है अम्मी के लिए, हम लेके आते हैं। तुम अम्मी से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जरूर जरूर कृष्ण भाई। आपने क्या हालत कर ली अम्मी? की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई अम्मी? सारा, हम ठीक है बेटा। कभी कमजोर क्यों लग रही हैं आप? कुछ खाया आपने? खाना ही पड़ेगा, रुको, कुछ है तुम्हारे पास? अब वो ये क्या सूप किसके लिए? अम्मी के लिए। अम्मी के लिए। क्यों नहीं पी रही आप ये सूप? हम पिलाएंगे आपको। रुखसार, अम्मी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ रुखसार, शुक्रिया। कैसी बात कर रही हो जारा, कैसा शुक्रिया? हमारा भी तो अम्मी पर कुछ हक है ना। मिसेज अहमद, अब कैसे मिजाज हैं आपके? रिपोर्ट्स तो ओके हैं, अब आप घर जा सकती हैं। लेकिन आप दवाइयां टाइम पर लीजिएगा। कबीर साहब जी, इनका ख्याल रखिएगा। जरूर जरूर। ओके, सुन लिया आपने, अब बिल्कुल ठीक है। हम आपको घर लेकर जाएंगे और आपका ख्याल रखेंगे। कबीर, तुम मम्मी को लेकर घर जाओ, हम भी घर जाते हैं। हम अम्मा के साथ आएंगे, वो भी आयशा अम्मी से मिलने के लिए बेचैन हो रही होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ,
माशाल्लाह माशाल्लाह वारी रुखसार, बेटे के हाथों माँ को जहर पिलवा दिया और बेटे को पता तक नहीं।